समझना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, एक तरफ तो इन्होंने इतना बवाल किया आलते को लेके, लेकिन इतने बवाल के बाद फिर आलता लगाकर भी आ गई। इन शॉर्ट हम क्या समझेंगे, कोई नहीं समझ पा रहा कि इनके जहन में चल क्या रहा है। आपसे किसी ने मैंने आलता नहीं लगाया? आपको यकीन नहीं हो रहा है? खुद ही देख लीजिए। तो आलता लगाया सामने हमें झूठा साबित करने के लिए की है। वाह, इसे कहते हैं कि एक सही इस सब पर भारी। इस सही के सामने क्या काकू, क्या करिश्मा, क्या पाखी और क्या भाभी जी और क्या घर के सारे आदमी, ये सब फीके पड़ गए। सई जिसने बसंत पंचमी के दिन घर में इतना ड्रामा किया, आलता लगाने से मना कर दिया, अब देखिए वही सई नीचे आई है सज सवर कर और पैर में आलता लगाकर। अब भी बात विराट की जो है, विराट ने जैसे ही घर में एंट्री मारी, इस सब उसे बताने लगे कि सई ने ऐसा किया, इस सई ने वैसा किया। इस सई की शिकायत का पिटारा खत्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन सई जब नीचे आई तो उसने इस सब की बोलती बंद कर दी, क्योंकि उसने तो पैर में आलता लगा लिया। आपसे किसी ने मैंने आलता नहीं लगाया? आपको यकीन नहीं हो रहा है? जी लगा तो लिया है, मेरे सामने जब आती है सही तो आलता लगा हुआ होता है। घरवालों ने एक बात कही थी जो विराट ने सुनी, और उस पे क्योंकि घर वाले विराट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना कि इम्पोर्टेंट उसकी जिम्मेदारी है जो सही है, तो दोनों में से चूज़ कब जब करना आता है तो विराट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली घर वाले कुछ बोल रहे तो सुनेगा तो सही, और उन्होंने बोला तो उस रिएक्शन आया, लेकिन जब सही सामने आई तो दिख गया कि आलता लगा हुआ है। तो बाद में पलट के सबको पूछता है, आप लोग कैसे बोल रहे थे ये चीज़। अब ऐसा ही होता है काकू, आप सही के सामने एक कच्ची खिलाड़ी हो गई हैं। सही आज की लड़की है और वो जानती है कि सीधे को टेढ़ा कैसे करना है और टेढ़े को सीधा कैसे करना है। विराट के सामने सासू माँ ने सही की तारीफ की, और लीजिए विराट की नजरों में सही एक बार फिर से सही साबित हो गई। नहीं, मुझे काफी प्यार से आई ने अलग से रूम में समझाया, उस तरीके से उसको बात समझ में आई, एंड वो डेफिनेटली चाहती है कि घर पे, और वो प्रे भी करती है कि घर पे घर वालों पे किसी पे मुसीबत नहीं आए, और डेफिनेटली अपने ये विराट सर को वो काफी मानती है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनको कुछ हो। अब काकू घर की बड़ी है, लेकिन वो हमेशा सही से बदला लेना चाहती है, और काकू का साथ इसमें पाखी भी देती है, जबकि पाखी जानती है कि वो गलत कर रही है। खैर, घर में अब ये ड्रामा आए दिन चलता रहेगा, क्योंकि ये तो डेली सोप है, अगर ड्रामा ना दिखाया जाए तो दर्शकों को भी पसंद नहीं आता है। विराट नहीं आता, उससे पहले बहुत बड़ा तमाशा हुआ था जब सही आलता नहीं लगाती है, घर वाले फोर्स भी करते हैं, और सडनली जब वो ऊपर से आके बोलती कि मैंने आलता लगा लिया, तो ऑब्वियसली मुझे तो झूठी लग रहा था कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत थी क्या तुम्हें, जब लगाना ही था लगा लेती चुपचाप। अब हंगामे के बाद इस सरस्वती पूजा शांति से हो पाती है या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।